हाय गाइस, और सब पहले डेंगू डल कमेंट में चैनल उन्होंने द वीडियो। अभी टाइम हो गया 7:32 AM। आज हम लोग जाएंगे कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में ना अभी बुक फेयर हो रही है। तो परसों या तरसों जैना जी मेरे को बता रही थी कि कोलकाता में तो अभी बुक फेयर हो रही है, तू जाएगी? तो मेरी भी मूड कुछ दिनों से कुछ सही नहीं है, तो मैं सोची कि चली जाती हूँ, तो इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। बुक फेयर तो स्टार्ट होती है 12 बजे से 8 बजे तक होती है, लेकिन कोलकाता में जैना जी कुछ सामान वगैरह खरीदेंगी, तो इसलिए हम लोग थोड़ी जल्दी जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से 9:38 जो ट्रेन है ना उसमें जाएंगे। ये बेड इतनी बिखरी हुई है क्यों पता है? क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कौन सी वाली कपड़े पहनूं। ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना, ये एक शर्ट है, नॉट शर्ट, ये जैना दी मेरे लिए लाई थी गुजरात से। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये ना थोड़ी पतली है, और अभी तो सर्दियों के मौसम है ना, तो जब हम लोग वापस आएंगे, घर वापस आएंगे, तब काफी ठंड होएगी। ये डेनिम के तो ये थोड़ी मोटी है, इसलिए मैंने यही पहन लिया। आज रात को ना मैं नीचे ही सो गई थी, मेरी अभी तक नींद टूटी नहीं, मैंने मुंह भी नहीं धोई अभी तक। तो यहाँ लैपटॉप लगा के मैं सोच रही थी कि काम करूंगी, लेकिन फिर मैं सो गई। फिर 3:30 बजे को उठी, फिर से सो गई, फिर उठी, कपड़े पहनी, कपड़े चूज की ये वाली पहनूं या फिर वो वाली, फिर अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी मुंह धोना है, तैयार होना है, तो मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूंगी। जैना जी के साथ साथ उनकी एक फ्रेंड भी जाएगी। गाइस पता है आजकल मेरे ना काम में मन नहीं लग रही, अभी तो 4 महीने बाकी है, उसमें मुझे ज़ेब्रा सीखना है, माया अच्छे से सीखना है, मैं कुछ सीख नहीं पा रही, मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। यूट्यूब देख के सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत सीख लूंगी, लेकिन मन नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। और लाइट गाइस, लेकिन आज से मैं मन लगा काम करूंगी और ब्लॉग भी बनाऊंगी, वापस आके काम में बैठ जाऊंगी। वैसे मैं बोलती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन करती कुछ नहीं, लेकिन आज से मैं करूंगी पक्का, प्रॉमिस, आप लोगों के सर के कसम। फिर आप लोग मर जाएंगे। जो भी हो, मैं कोशिश करूंगी करने की। और मुझे ना अभी भी 2 ब्लॉग एडिट करनी है। पहले तो वो हम लोग आमिनूर के घर गए थे ना, वो वाला ब्लॉग है, और दूसरी है हम लोग पिकनिक में गए थे, वो वाला ब्लॉग भी है। तो वो 2 ब्लॉग मुझे एडिट करने हैं, फिर ये वाली ब्लॉग डालूंगी। मैं सोच रही हूँ आज 2 ब्लॉग बनाऊंगी, एक इंस्टाग्राम के लिए, मतलब शॉर्ट ब्लॉग हॉरिजेंटल मोड में, और एक ये वाली। आज तो मम्मी घर में नहीं आई रात को, तो मैं अकेली थी, घर एकदम बिखर के रखी हूँ मैं। मम्मी हमेशा बोलती है तू कितनी गंदी लड़की है नफीसा। आई नो दैट, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। आप लोगों को तो पता है मैं हर जगह लेट पहुँचती हूँ, तो आज भी स्टेशन में लेट पहुँची हूँ और ट्रेन चली गई है, तो हम लोग 11 बजे को जो ट्रेन है उसमें जाएंगे। जैना दी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि जैना दी पहुँच गई थी स्टेशन में। हमारे गांव में तो ठंडी ठंडी मौसम है, लेकिन कोलकाता में इतनी गर्मी है ना, लिटरली मेरी पसीना छूट रही है। हम लोग अभी आए एक बंगाली रेस्टोरेंट में, जैना दी को प्रॉपर बंगाली थाली खाना था, तो हम लोग यही वाले रेस्टोरेंट में आ गए। और मुझे तो चाइनीज पसंद है, लेकिन सब लोग बंगाली थाली खा रहे थे, तो मैंने भी बंगाली थाली मंगवा लिया। और ये रेस्टोरेंट ना एकदम हावड़ा स्टेशन के साइड में ही है। पता है गाइस, बोट में उठते ही हम लोगों के साथ चौपसी हो गई। हम लोग जाने वाले थे बड़ा बाजार में, लेकिन किसी से बिना पूछे ही हम लोग बोट में चढ़ गए, गलत बोट में चढ़ गए, और बड़ा बाजार के बदले में बाग बाजार में पहुंच गए। बहुत ही तकलीफ के बाद हम लोग ऑटो में घूम घूम के बड़ा बाजार में पहुंचे हैं। यहाँ पे जैना दी को बैग, ज्वेलरी और कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो ये सब खरीद के हम लोग बुक फेयर में जाएंगे। बड़ा बाजार फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ ना सब कुछ सामान बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोकल शॉप है ना, सारे के सारे शॉपकीपर्स यहाँ से ही अपने अपने दुकानों के लिए सामान खरीदते हैं। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं बुक फेयर में, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना रही। कोलकाता में इतनी गर्मी है ना, जैना दी के साथ घूम घूम के मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। ओवरऑल आज के सारे दिन बहुत ही बुरा गुजरा। पहले तो स्टेशन में गई, ट्रेन मिस हो गया, फिर गलत बोट पकड़ लिया हम लोगों ने, फिर क्या हुआ पता है, हम लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। हम लोग मेन लाइन में आते हैं, तो मेन लाइन के बदले में हम लोग कॉर्ड लाइन के ट्रेन में चढ़ गए थे। ट्रेन जब आधे रास्ते में जा पहुंचे, तब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने गलत ट्रेन पकड़ लिए,
तब हम लोगों ने ट्रेन से उतरे और फिर सही ट्रेन पकड़ के स्टेशन में आ पहुंचे। रात काफी हो चुका था तो हम लोगों को ऑटो नहीं मिला, हम लोगों ने पर्सनली ऑटो रिजर्व किए ज्यादा पैसे दे के, फिर अभी घर जा रहे। ओके बाय गाइस।